हम सब जानते हैं संगत हमें सुधार सकता है, संगत हमें बिगाड़ सकता है। अजामिल पहले भजन किया करता था, लेकिन धीरे 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 एक गलत स्त्री से उसने विवाह किया। समय बीत रहा है, लेकिन उस स्त्री के संग से ये भी बिगड़ गया, गलत मार्ग पर चला गया, और उसके बाद में रोज चोरी करने लगा, दूसरों के घर में जाकर के चोरी डकैती करने लगा। अब तो ये जहां पर रहता है ना, वहां के बच्चे भी अजामिल के नाम से डरते हैं। अजामिल अत्यंत दुष्ट हो गया। और एक दिन भगवत कृपा से साधु संत इसके घर पर आए। पत्नी ने कहा कि आप यहाँ गलत जगह आए, किसी ने बोल दिया अजामिल भगवान का भक्त, वहीं जाइए, वहीं विश्राम करें, भोजन करें। साधु संत गलती से अजामिल के घर पहुंच गए, अजामिल नहीं था। पत्नी बोली कि हे संत महापुरुष, आप यहाँ गलत जगह में आए, क्योंकि ये भक्त का घर नहीं है, मेरे पति तो बहुत दुष्ट हैं, आप यहाँ भोजन नहीं कर सकते। संतों ने कहा देखो बेटा, हम आ चुके हैं तो वापस नहीं जाएंगे, जो सूखा भोजन हो वो दे दो, हम बना करके भोग लगाएंगे भगवान को, स्वयं भी पाएंगे। तो संतों ने भोजन किया अजामिल के घर में। संत लोग भोजन करने बैठ गए, अजामिल आया। अब अजामिल जैसे आता है सभी को देख लेता है। अजामिल कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, कहां से आए और मेरे घर में भोजन क्यों कर रहे। संत लोग बोले कि बस आपकी पत्नी ने हमें भोजन कराया। जैसे पत्नी की नाम सुन लिया, चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अजामिल कहता जल्दी खाओ और निकलो यहां से। ब्राह्मण बोले कि आपका नाम क्या है? अजामिल। अजामिल बोला जल्दी करो भोजन और चले जाओ। संत ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में बच्चे हैं? अजामिल बोला हाँ बच्चे हैं, और एक बालक आने वाला है, वो अभी गर्भ में है। अच्छा, अगर गर्भ में बालक है तो जब जन्म होगा तो उस बालक का नाम रख देना नारायण। जैसे उसने सुना, कहता है मैं क्यों नारायण नाम रखूं, नारायण नाम पुराना है, अपने मर्जी से रखूंगा, मेरा बेटा है, अपने मर्जी से नाम रखूंगा। अब जैसे अजामिल ने कहा, संत बोले कि एक बात तो हमारी मान लो। देखो संत लोग कहते हैं हमने इसके घर में भोजन किया, और जिसके घर का अन्न हमने ग्रहण किया उस घर में रहने वालों का कल्याण करना हमारा धर्म है। और संत वही है, साधनोति परम कार्यम इति साधु, जो बिगड़े हुए को सुधार दे वही साधु है। साधु संत बोले कि देखो बस बालक का नाम नारायण रखना। अजामिल मना करता है, पत्नी बोली ठीक है हम रख लेंगे, और उसके बाद अजामिल भी बोला ठीक है हम नारायण रख लेंगे। साधु संत निकल गए। जैसे बालक का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण, तो एक दिन अजामिल वृद्ध होता है, अंतिम समय हो चुका है, मृत्यु करीब है, सो रहा था, लेटा हुआ था, इसको यमराज के दूत दिख रहे हैं, बहुत डरावने यमदूत आए। अजामिल ने सोचा कि इतने डरावने मुझे लेने आए हैं और मुझे इतना डर लग रहा है, अगर इनको देखेगा तो मेरा छोटा वाला बेटा कितना डर जाएगा। उसको बेटा की याद आई, अपने सबसे छोटा बेटा नारायण से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, 24 घंटे उसके साथ में रहता था, इधर आओ नारायण, खाना खा लो नारायण, बार बार बेटा को बुलाता था तो भगवान का नाम उच्चारण हो जाता था। अब उसने जैसे यमदूत को देखा, जोर से बोला नारायण इधर आ जाओ, बेटा को बुलाया। भगवान नारायण के पार्षद तुरंत आए, विष्णु भगवान के पार्षद आए, वहां यमराज के पार्षद भी है। यमदूत ने कहा आप लोग यहाँ कैसे आए, ये पापी है, इसको लेने हम आए हैं। भगवान के दूत बोले पापी नहीं, ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इनको लेने तो हम आए हैं, आप लोग चले जाओ हम लेके जाएंगे।
अब यमराज के दूत और भगवान नारायण के दूत में संवाद चलने लगा। भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप धर्म दूत हैं, धर्म के परिभाषा क्या है वो आप हमें समझाओ। अब यमराज के पार्षद बोलते हैं, वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेदो नारायणाः साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। देखो, धर्म के परिभाषा ही नारायण है। वेद स्वयं वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति नारायण भगवान का नाम उच्चारण करता है वो नरक में नहीं जा सकता। जैसे सुनाया, भगवान के दूत कहते हैं तो ये व्यक्ति भी नारायण भगवान को बुला रहा था। यमदूत कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, आप ये गलत समझ रहे हैं, इसने भगवान को नहीं अपने बेटा को बुलाया था। तब उसके बाद विष्णु भगवान के पार्षद बोले कि बेटा को बुलाया हो या फिर भगवान को बुलाया हो, नाम तो नारायण का है। संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठा नाम ग्रहण मसे सा घहरम विदोह। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा। देखो, नाम उच्चारण तो हो गया, चाहे जान करके लिया हो अनजाने में लिया हो, ऐसे ही खेलते खेलते मजाक में नाम लिया हो, नाम तो ले लिया ना। देखो, जहर जो होता है, डिब्बा में जहर रखा है, आपने उसको गलती से खा लिया, पी लिए, आपने जानबूझ करके पिए हो या फिर गलती से पिए हो, पी तो लिए, तो वो अपना असर तो छोड़ेगा ही। जहर पीने के बाद तो अपना असर दिखाएगा। आप कहोगे अरे गलती से पी लिए, मुझे मरना नहीं है, ऐसा बोलने से बच जाओगे क्या? नहीं ना। उसी प्रकार भगवान का नाम भी गलती से लो चाहे जान करके ले लो, एक बार नाम उच्चारण हो गया तो अपना असर जरूर दिखाएगा।